हम पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर क्या है? 3 है। नाम क्या है? कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग। तो कौन से कंपाउंड्स और कौन सी बॉन्डिंग पढ़ाई जा रही है? आई थिंक आयोनिक कंपाउंड्स और आयोनिक बॉन्डिंग पढ़ाई जा रही है। सो दिस इज कौन से कंपाउंड्स जनाब? आयोनिक कंपाउंड्स एंड कौन सी बॉन्डिंग? आयोनिक बॉन्डिंग। आई थिंक आयोनिक कंपाउंड्स और आयोनिक बॉन्डिंग की जो बुनियादी स्पेसिफिकेशंस हैं वो मैं आपको करवा चुका हूं। उसकी बुनियादी स्पेसिफिकेशंस में क्या क्या बातें इन्वॉल्व हैं सुने जरा। डिफाइन आयनिक बॉन्डिंग एज व्हाट? एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। हमने ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की एक्सप्लेनेशन डेवलप कर ली है कि ये इलेक्ट्रिकल फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या इसकी जो भी फिजिक्स होती है हमें मालूम है। हाँ, इस फोर्स का जो फिजिक्स में फार्मूला होता है वो मैं आपको कहीं ना कहीं A2 के अंदर जाकर हम देखेंगे। बहरहाल केमिस्ट्री है, फार्मूलों की मोहताज नहीं है, या अपना एक थ्योरेटिकल सेंस डेवलप करना होता है। हाँ, वैसे अगर आगे जाके मैंने ये पढ़ाया कि कौन से आयंस की बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और कौन से आयंस की जो बॉन्डिंग है वो वीक होगी, तो उसके लिए शायद हमें दो बातों का जिक्र करना पड़ेगा। एक तो ये कि वो जो फोर्स ऑफ जो आयंस हैं उनका चार्ज क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और उनका साइज क्या होना चाहिए। यू रिमेंबर आपने पिछले चैप्टर में क्या कहते हैं, आयनिक रेडियस भी पढ़ा है आपने, मेटालिक रेडियस भी पढ़ा है, मतलब वो एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस दोनों पढ़े। अच्छा, अब मेरा एक सवाल आपसे ये है कि मुझे बताएं कि अगर मैं मैंने कल कौन कौन पढ़ा है? एक पढ़ा है NaCl, एक पढ़ा है MgO, फिर पढ़ा है कैल्शियम फ्लोराइड और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड पढ़ा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहता था, डिस्क्राइब आयनिक बॉन्डिंग इंक्लूडिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ क्या क्या, सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड हो गया, और मैंने एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एग्जाम्पल भी दे दी, ताकि मैं चाहता था एक के ऊपर 2-3 प्लस था, दूसरे का 2 माइनस था, उसका इधर आ जाए, इसका उधर चला जाए और कोई क्रॉस बेस हो जाए इस तरह से। बहरहाल मैं आज यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना चाहता हूँ और मैं बेसिकली बात करना चाहूँगा किसके बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। और जो पहली प्रॉपर्टी मेरे दिमाग में आई है वो पहली नहीं है, वो चौथी पाँचवीं आ गई है कि आयंस कैसे होंगे, तो फोर्स कितनी स्ट्रांग होगी या कितनी वीक होगी। मैं वैसे आपको एक टॉपिक जो मैंने पढ़ाना है उसका एजेंडा बता देता हूँ कि मैं बुनियादी तौर पर NaCl का मेल्टिंग पॉइंट और मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट कंपेयर करना चाहूँगा, और उसकी कंपैरिजन मुझसे कैसे होगी कि सोडियम क्लोराइड के अंदर किस किस्म के आयंस हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर किस किस्म के आयंस हैं। किस किस्म के आयंस का मतलब क्या है कि पॉजिटिव आयंस में क्या फ़र्क है और नेगेटिव आयंस में क्या फ़र्क है, और पॉजिटिव आयंस कि क्या चीज़ ज़्यादा हुई है या नेगेटिव आयंस की क्या चीज़ ज़्यादा हुई है जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। तो बुनियादी तौर पर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या चीज़ है? वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है जनाब साहब, क्या वो फिजिकल प्रॉपर्टी है? तो मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे लगता है मैं आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ाना चाहता हूँ। हाँ, मैं भी फिजिकल और केमिकल तो नहीं लिखूंगा, मैं मिक्स ही कराऊंगा, फिजिकल भी पढ़ाऊंगा केमिकल भी पढ़ाऊंगा, सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखवाना चाहूंगा। तो जनाब साहब अभी क्या हेडिंग देंगे? मिसालें तो मेरी हो चुकी हैं, मेरी हेडिंग जो बनती है वो क्या है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। हेलो जी, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स मेरा आज का टॉपिक है, और मैंने आपके सामने एक मेल्टिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी आपके सामने रख दी है जिसके बारे में हम बाद में डेवलप करेंगे कि वो फिजिकल है या वो केमिकल है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, किसकी वो प्रॉपर्टी ज़्यादा है, किसकी वो प्रॉपर्टी कम है, ये सारी बातें भी हमने डेवलप करनी है।
इससे पहले कि मैं इसका मेल्टिंग पॉइंट पर डायरेक्टली चला जाऊं, मैं इससे भी पहले क्या बात करना चाहता हूं, मैंने तो कल सिर्फ और सिर्फ आपको डॉट एंड क्रॉस डायग्राम पढ़ाई है। क्या पढ़ाया जी? मैंने आपको वो डॉट एंड क्रॉस करा के उसका डायग्राम दिखाया था, या मैंने आइंस वाला डायग्राम दिखाया था, या मैंने आपको क्रॉस बेस फॉर्मूला उसका लिखवाया है, या उसके अंदर आइंस कौन से इन्वॉल्व हैं वो बताए हैं, या उनकी डॉट एंड क्रॉस कैसी है वो बताई है, लेकिन एक्चुअली वो फिजिकली या केमिकली एग्जिस्ट कैसे करते हैं इसके बारे में हमारी बात नहीं हुई भी। तो आई थिंक मैं सबसे पहली बात तो ये करूंगा कि ये आयनिक कंपाउंड्स जितने भी हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग होती है वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं। मैंने जो कल कराया है उसमें मैंने मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड की अगर बात की है तो मैंने क्या लिखा वहां पे? NaCl लिख दिया। क्या लिख दिया? या बहुत डिटेल मारी होगी तो Na+Cl- लिख दिया होगा, उससे भी ज्यादा डिटेल मारी होगी तो क्या किया होगा, Na वाला पूरा कैटाइन डॉट्स के साथ बना दिया होगा और Cl वाला पूरा एनाइन क्रॉसेस के साथ बना दिया होगा, इसका इलेक्ट्रॉन लूज करा दिया होगा, उसका गेन करा दिया होगा और दरमियान में कोई लाइन लगा दी होगी और उस लाइन को क्या कहा होगा। मतलब मैंने तो इतनी बात पढ़ाई है, लेकिन मुसीबत यह है कि मुझे यहाँ से थोड़ा सा आगे भी जाना है और इसकी ज़्यादा डिटेल की बात करनी है। वो उस लेक्चर में शायद वो भाई साहब मुझे बता भी रहे थे, बा साहब, कि सर जी आप इसका कोई क्रिस्टल लैटिस क्यों नहीं बना रहे, आप उसकी तरह उसको ड्रॉ करके आयनिक बॉन्डिंग क्यों नहीं समझा रहे। मैंने कहा मैं तो अभी जिस तरीके से चल रहा हूँ मैं तो उसी तरीके से चलूंगा, आपकी बात को इन्वॉल्व मैंने ज़रूर करना है, तो आज वो वक्त है जब मैं आपका वो क्रिस्टल लैटिस वाला वर्ड जो है यहाँ इन्वॉल्व करना चाहता हूँ। और मैं प्रॉपर्टीज में आई थिंक सबसे पहली प्रॉपर्टी ही क्या लिखवाना चाहता हूँ कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं। पहली बात तो ये, इनके मॉलिक्यूल्स नहीं होते, दे डू नॉट एग्जिस्ट एज सिंपल मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स तो क्या, दे डू नॉट इवन एग्जिस्ट एज सिंपल फार्मूला यूनिट्स। इनके फार्मूला यूनिट्स भी सिंपल नहीं होते, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होते। ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं जी? दे एग्जिस्ट एज क्या, अ क्लस्टर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आइंस, या फिर क्रिस्टल लैटिस ऑफ क्या, ऑपोजिटली चार्ज आइंस। उसकी ड्राइंग कैसी है कैसी नहीं है, सर सबूर आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऊपर सर बाबर ने वो ड्राइंग प्रिंट कर दी होगी, उसको जरा मुझे पूरी क्लास की ला दीजिए, चेक कर लें, जितने भी बच्चे मौजूद है उतने प्रिंट ले आइएगा। सो क्या बात कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ प्रॉपर्टीज में सबसे पहली लाइन क्या लिखवाऊँ, लिखिए जनाब साहब, आयनिक कंपाउंड्स नेवर एग्जिस्ट एज सिंपल मॉलिक्यूल्स। आयनिक कंपाउंड्स नेवर एग्जिस्ट एज व्हाट, सिंपल मॉलिक्यूल्स। ऊंचा बोलेंगे, हाँ, इसलिए मॉलिक्यूल्स का लफ्ज इस्तेमाल भी नहीं होता। अब लफ्ज इनके लिए क्या इस्तेमाल होता है? अच्छा, फिर अगला पॉइंट लिख, पहला आपने क्या लिखा है, आयनिक कंपाउंड्स नेवर एग्जिस्ट एज, अच्छा, दे डू नॉट इवन एग्जिस्ट एज सिंपल फार्मूला यूनिट्स। अगला पॉइंट क्या है जी? दे डू नॉट इवन एग्जिस्ट एज सिंपल क्या, सिंपल फार्मूला यूनिट्स, रादर दे एग्जिस्ट एज अ क्लस्टर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस, रादर दे एग्जिस्ट एज अ क्लस्टर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस, रादर दे एग्जिस्ट एज अ क्लस्टर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस। आई डॉट ई क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस। तो असल लफ्ज में लिखवाना चाहता हूं वो क्या है जनाब साहब, वो है क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस। तो मैंने सबसे पहले क्या चीज इसमें से निकलवाई है जी, मॉलिक्यूल्स का लफ्ज निकलवाया है कि आपने जब भी आयनिक कंपाउंड्स को सोचना है तो मॉलिक्यूल्स को तो कभी भी नहीं सोचना, इवन अगर आपने फार्मूला यूनिट्स भी सोचने हैं तो सिंपल या इंडिपेंडेंट या फ्री फार्मूला यूनिट्स नहीं सोचने, सोचना है तो इनके बारे में क्या सोचना है, या तो क्लस्टर ऑफ ऑपोजिटली, मतलब क्लस्टर्स मतलब सारे के सारे चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, बिल्कुल करीब करीब हैं, ढेर सारे ऑपोजिटली चार्ज आयंस हैं, या तो ये सोच लें, या इससे भी ज़्यादा बेहतर है कि क्या लफ्ज़ सोच लिया जाए, क्रिस्टल लैटिस का लफ्ज़ सोच लिया जाए। क्या जनाब साहब?
क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस का सोचा जाए, जिसमें से मैं किसको अंडरलाइन कराना चाहता हूं, दैट इज क्रिस्टल और फिर लैटिस। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड क्रिस्टल एंड देन अंडरलाइन द वर्ड लैटिस। इन दो लफ्जों का मतलब क्या है? कभी आपने ये क्रिस्टल्स का लफ्ज किस स्टेट के लिए इस्तेमाल होता है? आई थिंक क्रिस्टल ऑब्वियसली सीधा सीधा हमें क्या बताने की कोशिश करता है कि यार कौन सी स्टेट की बात हो रही है? सॉलिड स्टेट की बात हो रही है। अब सिचुएशन ये है कि सॉलिड स्टेट में होता क्या है? सर जी, सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? अब बहुत सारे अल्फाज हैं मेरे पास सुनाने को आपके लिए। टाइटली पैक्ड का लफ्ज भी है, क्लोजली पैक्ड का लफ्ज भी है, जैम पैक्ड का लफ्ज भी है, फिर एक बच्चा बोल रहा है रेगुलरली अरेंज्ड इन फिक्स्ड पैटर्न्स का लफ्ज भी है। ये जो लफ्ज अभी आपने बोला ना, ये क्रिस्टलाइन लैटिस के लिए होता है। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें टाइटली पैक्ड तो होता है, क्लोजली पैक्ड भी होता है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। ठीक है जी, क्या होता है जनाब साहब? ओ लेवल में आप जो मर्जी लफ्ज लिख दें, आप लिखें जी टाइटली पैक्ड, आप लिखें जैम पैक्ड, आप लिखें क्लोजली पैक्ड, आप लिखें रेगुलरली पैक्ड, आप लिखें फिक्स्ड पैटर्न्स, सबके सबका ऑलमोस्ट एक ही तरह का मतलब निकलता है। लेकिन जब आप ए लेवल की बारी करेंगे तो यहां हर लफ्ज का जो क्लासिकल मीनिंग है मैंने वो पढ़ाना है, बाकी नहीं पढ़ाना। ठीक है, आई बिलीव सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है? अगर आप मुझसे पूछेंगे क्रिस्टल का मतलब, मैं कहूंगा सॉलिड। सॉलिड का मतलब क्या है? हाँ जी, सॉलिड का मतलब ये जरूर है कि पार्टिकल्स आर क्या? पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, या फिर पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, या फिर पार्टिकल्स आर जैम पैक्ड। बट ठीक है जी, टाइटली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड ठीक है, लेकिन अब वो पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज्ड हैं या नहीं हैं, ये लफ्ज कब इस्तेमाल होगा? जब साथ लैटिस लिखेंगे आप। क्या लिखेंगे? लफ्ज लैटिस है। दिस वर्ड रिप्रेजेंट्स क्या? दिस वर्ड रिप्रेजेंट्स द रेगुलर अरेंजमेंट इन व्हाट? इन फिक्स्ड पैटर्न्स। अब कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो क्रिस्टलाइन क्रिस्टल लैटिस जैसे हैं, और कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो क्रिस्टल लैटिस जैसे नहीं हैं। हाँ, जो सॉलिड्स मैंने आपको पढ़ाने हैं, मुझे लगता है फिजिक्स इस जो केमिस्ट्री है, सबसे पहले आपने कभी मेटालिक सॉलिड्स पढ़े होंगे। वो कैसे? उनकी क्रिस्टल लैटिस होती है, उनका हम कहते हैं रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं, इन अ फिक्स्ड पैटर्न होते हैं, तो वो मेटालिक क्रिस्टल लैटिस होती है। एक्चुअली क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स जो आप पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है? ये भी आयनिक क्रिस्टल लैटिस होती है, क्योंकि इनमें भी क्या होगा? रेगुलरली अरेंज्ड है ना, फिक्स्ड पैटर्न होगा। जो आपने डायमंड शायमंड अगर या पढ़ा है ओ लेवल में, या मैंने आगे पढ़ाना है, उसमें भी क्या होगा? वो भी मैक्रो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल लैटिस है। वहां भी क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट है, इन अ फिक्स्ड पैटर्न है उसका, टेट्राहेड्रल समथिंग पैटर्न है, फिक्स्ड है वो। इसी तरह जो चौथे नंबर पे क्या आप पढ़ेंगे, कहीं क्या पता वाटर पढ़े, वाटर इन द आइस वाली स्टेट, वाटर इन द सॉलिड स्टेट, सिंपल मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वहां भी वाटर का क्या होगा? कोई ना कोई रेगुलर अरेंजमेंट इन अ फिक्स्ड पैटर्न होगी। लेकिन एक सॉलिड होता है जैसे ग्लास, जो शीशा है, ना वो मेटालिक क्रिस्टल लैटिस है, ना वो आयनिक क्रिस्टल लैटिस है, ना वो मैक्रोमोलिकुलर क्रिस्टल लैटिस है, ना वो सिंपल मोलिकुलर क्रिस्टल लैटिस है। उसके लिए एक लफ्ज होता है एमोर्फस सॉलिड, उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं कहते। क्या कहते हैं उसको? मैं आगे कभी वक्त आया तो मैं पढ़ा दूंगा। एमोर्फस सॉलिड का मतलब ही क्या है? कि इसके पार्टिकल्स की ना, है ये सॉलिड है, टाइटली पैक्ड है, रेगुलर क्या नहीं है, पार्टिकल्स आर नॉट रेगुलरली अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड पैटर्न। ठीक है, तो जो भी आप क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करेंगे, जिनके साथ भी आप क्रिस्टल लैटिस का जिक्र करेंगे, एक बात याद रखिएगा कि उधर क्या होगा? उधर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन अ फिक्स्ड पैटर्न लाजमी होगी। अब ड्यूरेबल और स्ट्रांग तो बात की बात है ना जी। ड्यूरेबल और स्ट्रांग होना या ब्रिटल या डक्टाइल होना, ये तो मैं अभी तक नहीं पहुंचा ना यहां तक। मैं तो अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूं। हाँ, आप अंदाजा अगर लगा रही हैं कि सर ग्लास ने पड़े पड़े टूट जाना है और मेटल नहीं टूटना है, तो आपकी इतला के लिए नमक ने भी पड़े पड़े टूट जाना है। मैंने नमक के पत्थर को यूं मारना है तो उसने पाउडर बन जाना है।
ठीक है, नमक भी कोई इतना कोई खास ऐसा तो नहीं है कि बड़े कोई स्ट्रांग किस्म। तो ये जो ब्रिटल होना या डक्टाइल होना ये इस बात पर नहीं डिपेंड करता कि रेगुलरली अरेंज्ड, वो क्या क्या किस किस पर डिपेंड करता है बाद में सीखेंगे, मैं भी प्रॉपर्टीज डेवलप करूंगा। मेटेलिक क्रिस्टल लैटिस की अलग प्रॉपर्टीज होंगी, आयनिक क्रिस्टल लैटिस की अलग प्रॉपर्टीज होंगी, मैक्रो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल लैटिस की अलग प्रॉपर्टीज होंगी, सिंपल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल लैटिस की अलग प्रॉपर्टीज होंगी, और हाँ ग्लास की अलग प्रॉपर्टीज होंगी। तो अब वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी किस किस बात पे डिपेंड करती है, मुझे लगता है मैं अभी आपको नहीं पढ़ाऊंगा आपके ड्यूरेबिलिटी या स्ट्रेंथ या रिजिडिटी की जो आप बात कर रहे हैं, नो है। मैं अभी सिंपल बताना चाहता हूँ क्रिस्टल लैटिस का मतलब। क्रिस्टल असल में ना क्रिस्टल लैटिस एक पूरा वर्ड है, इट्स नॉट टू वर्ड्स, दे आर ऑलवेज यूज टुगेदर। क्रिस्टल लैटिस कभी भी क्रिस्टल अलग और लैटिस अलग नहीं होता, ये दोनों लफ्ज एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें से क्रिस्टल के वर्ड का मीनिंग हम सॉलिड निकालते हैं, बड़ा ऑर्डिनरी के टाइटली पैक्ड है जैम पैक्ड निकालते हैं, लैटिस में से क्या लफ्ज निकालते हैं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इसमें से निकालते हैं। अगर कोई क्रिस्टल लैटिस नहीं है सॉलिड हो सकता है, जैसे ग्लास की मैंने मिसाल दी है, सॉलिड वो है, क्रिस्टल लैटिस वाला सॉलिड नहीं है, उसके लिए एक और लफ्ज होता है क्या, एमोर्फस सॉलिड होता है, जिसको मसला इस बात है। वैसे इसी तरह एक और सॉलिड भी होते हैं, ये जॉइंट पे हम पॉलीमर्स पढ़ेंगे प्लास्टिक्स, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड्स। उनमें भी क्या होता है, मेरा नहीं ख्याल कि उनमें भी कोई ऐसे टाइटली पैक्ड होता है, सारी सारी जो लंबी लंबी चेन्स हैं क्या होती हैं, लेकिन उधर भी क्या नहीं होता, उधर भी रेगुलर अरेंजमेंट इन अ फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, वहां बस एक लंबा सा मैक्रोमॉलिक्यूल होता है क्रिस क्रॉस हुआ हुआ और सारा इंटेंगल्ड हुआ हुआ, कोई स्पेगेटी टाइप वो उसकी एक शक्ल होती है अगर उसका स्ट्रक्चर अंदर से देखा जाए तो इसलिए हम उसको भी क्या नहीं कहते, क्रिस्टल लैटिस नहीं कहते। तो मैंने आपको क्रिस्टल लैटिस समझाने के लिए क्या किया, सॉलिड समझाने के लिए सॉलिड्स की तीन किस्में हो सकती हैं। ठीक है, एक काम करेंगे जरा पेज के हेडर पे जाएंगे, प्लीज पेज के हेडर पे जाएंगे। मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूं कि अगर मैंने एक पेज के हेडर पे जाएं, यूं लिखें जी, क्या लिखें, केमिस्ट्री लिखें, उसके आगे मैटर लिखें, मैटर के आगे स्टेट्स लिखें, स्टेट्स के आगे मैटर की कौन सी स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स या केमिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स लिखें मैटर की, फिजिकल स्टेट्स के आगे क्या लिखें, तीन कौन कौन सी, सॉलिड लिक्विड गैस, ये लिखें। उधर से सॉलिड को अंडरलाइन कर लें जरा, और जब सॉलिड को अंडरलाइन कर लें तो सॉलिड के साथ तीन लफ्ज लिखें, कौन से जी, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस और पॉलीमरिक। ये पेज कैटर पे जाएं और क्रिस्टलाइन के साथ क्या लिखें, पहला क्या, सबसे पहले मेटालिक क्रिस्टल लैटिस, फिर क्या आयोनिक क्रिस्टल लैटिस, फिर क्या मैक्रो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल लैटिस, फिर क्या सिंपल मॉलिक्यूलर क्रिस्टल लैटिस। ये चार चीजें अल्टीमेटली मैंने पढ़ानी है आपको। क्या पढ़ाना जी आपका, वैसे तो स्टेट्स ऑफ द मैटर का टॉपिक अलग से होना चाहिए ना, ठीक है, मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, मुझे लगता है मैं कंपाउंड्स पढ़ाते ही बीच में क्या कर जाऊंगा, मेटालिक क्रिस्टल लैटिस की बात तो मैंने पहले कभी की हुई है, वो क्या होता है उसमें सी ऑफ क्या होता है, इट्स अ लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन अ सी ऑफ क्या, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्या पता मैं दोबारा भी बता दूं लेकिन आपको वैसे ही पता होना चाहिए। आयनिक क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, इट्स अ लैटिस ऑफ पॉजिटिव ऑपोजिटली चार्ज लाइंस, क्या जनाब साहब। फिर मैक्रोमोलिकुलर क्रिस्टल लैटिस में क्या होगा, सिंपल मोलिकुलर में क्या होगा, ये हमारी कंपाउंड्स और बॉन्डिंग का अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि जब हमें कंपाउंड्स सारे समझ आ जाएं, हमें बॉन्डिंग सारी समझ आ जाए तो या तो मीन वाइल क्या समझ आ जाए, ये चारों क्रिस्टल समझ आ जाए, या फिर नहीं आता तो अलग से हम एक चैप्टर बना लेंगे इनका, फिर क्या कर लेंगे भाई, फिर अलग से एक चैप्टर बना लेंगे। देखते हैं, ये मैं पेज के हेडर पे इसलिए लिखवा रहा हूँ
कि अभी तक मैंने इन बातों को किया नहीं है, लेकिन मेरा मूड इन बातों तक पहुंचने का जरूर है। क्या नहीं पढ़ाऊंगा? आई थिंक मैं एमॉर्फस की डिटेल नहीं पढ़ाऊंगा, पॉलीमेरिक की डिटेल भी पढ़ाई भी तो थोड़ी सी पढ़ाऊंगा, पॉलीमर्स शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एडिशन पॉलीमर्स जरूर पढ़ा दूं, याद है गर्ल्स को दे दें सर जी, और आधे जो हैं वो एक में ले लेता हूं, यहां से आगे फैलाते रहें जी। सो क्या बात हो रही है, क्या बात होनी हो रही, वापस आते हैं अपनी बुनियादी बात की तरफ, वो जो ऊपर पेज के हेडर पे लिखा है अभी वो टॉपिक नहीं, वो बहुत आगे की बात है। हाँ, उसमें से अभी की चीज क्या है सर, उसमें से अभी की चीज कौन सी वाली है, ये वाली आयनिक क्रिस्टल लैटिस अभी की चीज है, मेटालिक या मॉलिक्यूलर या सिंपल मॉलिक्यूलर या मैक्रोमॉलिक्यूलर, या तो पहले से आता होगा या बाद में आ जाएगा। खैर, क्या मैं पढ़ाना चाहता हूं, गौर से मेरी बात सुनिए जनाब साहब, जल्दी से पेज डिस्ट्रीब्यूट कर दें प्लीज, जल्दी से एक एक अपने पास रखें, बाकी आगे भेजें। मैं क्या लिखवाना चाहता था, मैं आपको ये लिखवाना चाहता था कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, हाउ डू दे एग्जिस्ट, दे एग्जिस्ट एज क्या, दे एग्जिस्ट एज अ क्या लिखा है, क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस। मेटल्स के साथ क्या लिखते थे, क्रिस्टल लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। मुझे बताइए क्या मैंने वो बॉन्डिंग समझाई दी उसकी, जरा प्लीज मुझे उस पेज पे लेके जाए यार, कहीं ना कहीं मैंने मेटल्स का जिक्र किया हुआ है, मुझे उस पेज पे लेके जाए जहां मैंने जुमला लिखा हुआ है, क्रिस्टल लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस इन अ सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस वाले पेज पे लेके जाए, दिखाओ जी। जहां पे मैंने आपको क्या पढ़ाना था, मेटालिक रेडियस पढ़ाना था या कोवलेंट रेडियस पढ़ाना था या आयनिक रेडियस, सॉरी वैंडरवॉल रेडियस पढ़ाना था, उस हैंडआउट के टॉप के ऊपर आपने एलिमेंट्स को तीन तरीकों से क्लासिफाई किया हुआ है। किस तरीके से, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नोबल गैसेस, पहुंच गए आप सब उस पेज पर। फिर वहां आपने मेटल्स के साथ क्या लिखा हुआ है, दे एग्जिस्ट एज क्या, क्रिस्टल लैटिस ऑफ क्या, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस दैट वर नोन एज कैटायंस इन अ सी ऑफ क्या, इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और वो आपने नीचे उसकी ड्राइंग भी बनाई हुई है कि आपको सारे प्लस 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 सही तरह लैटिस की तरह नजर आ रहे हैं, और उसके बीच में क्या नजर आ रहे हैं, आपको डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, और हमने कहा कि उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में देर इज क्या, देर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नेगेटिवली चार्ज्ड डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस, and this force is known as क्या, metallic bonding। क्या इसमें किसी को problem है, मेरी specifications कहती हैं about metallic bonding क्या, अगर आप unit 3.3 देखेंगे जिसका नाम है metallic bonding, तो specification में सिर्फ एक line लिखी हुई है, define metallic bonding as the electrostatic force of attraction between positive metal ions and delocalized electrons, तो describe किया मैंने, इसका मतलब मेरी specifications में से unit 3.3 हुआ है भाई, मैं दोबारा मेटल्स की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं जितना मेटल्स के बारे में ओ लेवल की बातें हैं वही बातें उसने यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्या आपको मेटल्स के बारे में क्या बता क्या बता होना चाहिए ये सर जी, मेटल्स के बीच में क्या होता है, पहली तो बात है इट एग्जिस्ट कैसे, एज अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आइंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज, फिर इसी जुमले को कैसे लिखें, There is a strong electrostatic force of attraction between क्या, between the positively charged metal ions and negatively charged delocalized। ये दोनों जुमले मैंने कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं। हाँ, बस एक जुमला जो था ना आपने लिखा है, there is a strong force of attraction, call it क्या, electrostatic। Strong के ऊपर लिखे, force के ऊपर लिखे electrostatic। There is a strong electrostatic force of attraction between the negatively charged delocalized electrons and positively charged metal ions, positively charged metal ions, and this force is known as metallic bonding. So it means ke unit 3.3 ki jo line hai specification mein wo hamari cover hui ho, ekdam mujhe nazar aa gayi aur mujhe yaad aa gaya ki maine ko metallic wala kaam kiya hua hai, to lo ji ye le jana, aap sab apni copy wapas lijiye। Regular arrangement of particles in what
जो रेगुलर अरेंजमेंट होती है वो किस तरह होती है, इन अ फिक्स्ड पैटर्न होती है, इन अ फिक्स्ड पैटर्न। हेलो जी, अब ये मैं अगर प्योरली प्योरली किसकी बात करूं अगर मैं प्योरली आपके इस आयनिक कंपाउंड की बात करूं तो यहां पे जो रेगुलर अरेंजमेंट है ऑफ पार्टिकल्स इन अ फिक्स्ड पैटर्न, तो कैसा है यहां का पैटर्न, इस पैटर्न के बारे में इसको अंडरलाइन करें, मैं बताता हूं क्या है जी। पैटर्न कुछ ऐसा है, आप में से किस किस को ये पेज मिल गया है, किस किस को नहीं मिला है, बॉयज में से किसको ये पेज नहीं मिला जी, एक, और गर्ल्स में से सबको मिल गया वाला पेज, ठीक है जनाब साहब आप ये ले लीजिए। अगर आप इस पेज को देखेंगे तो आप यहां पे किस किस्म का पैटर्न नजर आ रहा है आपको, जो आपने सबसे पहली ड्राइंग बनाई है प्लीज बताइए, उस पहली ड्राइंग में क्या नजर आ रहा है आपको? नहीं, वो पहली ड्राइंग टू डायमेंशनल है कि थ्री डायमेंशनल है? पहली वाली ड्राइंग टू डायमेंशनल व्यू है, क्या है जनाब साहब वो? तो प्लीज उसको यहां पे आपने चिपकाना है, बल्कि पहले मेरा नोट लिख लूं उसके बाद चिपकाऊंगा जी, अभी मैं चिपकाइएगा। उस टू डायमेंशनल ड्राइंग में आपको क्या नजर आ रहा है? सोडियम स्पॉट कर लें कोई भी, सोडियम के आयन के राइट की तरफ क्या है, क्लोराइड का आयन लेफ्ट की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, नीचे की तरफ क्या है, किसको मसला इस बात से? 10-15 मिनट है, किसको मसला इस बात से? तो टू डायमेंशनल व्यू अगर आप देखें तो आपको एक सोडियम आयन के इर्द गिर्द चार क्लोराइड आयन नजर आ रहे हैं, एक नहीं कितने, चार नजर आ रहे हैं, एक साइड पे इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे। सिमिलरली अगर आप किसी क्लोराइड को देख लें तो आपको क्लोराइड के इर्द गिर्द भी क्या नजर आ रहा होगा चार सोडियम नजर आ रहे होंगे। तो 2D में हमें नजर ही क्या आता है, या लेफ्ट राइट नजर आता है, या ऊपर नीचे नजर आता है। आप अगली ड्राइंग देखें कैसी है। उस 3D में अगर आप वो अंदर वाला कोई सोडियम स्पॉट कर लें जो कि शायद आपको भी नजर ना आ रहा हो, तो आप उसके बारे में देखें ना सर, एक उसके उधर था, एक उसके इधर था, एक उसके ऊपर, सराउंडेड बाय सिक्स एनायंस एंड ईच एनायन इज सराउंडेड बाय सिक्स कैटायंस दैट फॉर्म्स अ क्या, थ्री डायमेंशनल फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात मैंने की है यहां पे क्या, थ्री डायमेंशनल, किसी को मसला इस बात से? सर दुनिया में हर चीज थ्री डायमेंशनल ही होती है, टू डायमेंशनल तो सिर्फ उसका एक फ्रंट का व्यू होता है, होगा ये भी जैसे मैंने आपको जो थ्रू टू डायमेंशनल ड्रॉइंग बनाई वो क्या बना के दिया, वो मैंने पूरा नहीं बना के दिया, उसकी एक्चुअल ड्रॉइंग का फ्रंट, उसका फ्रंट व्यू बनाया है कि जी इसका आपका जो थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है उसका फ्रंट व्यू ऐसा है, या उसकी फ्रंट लेयर ऐसी है, या उसकी कोई भी वन ऑफ द लेयर ऐसी है, टू डायमेंशनल लेयर दिखाई है उसमें। दूसरी ड्राइंग में क्या दिखाया, दूसरी ड्राइंग में उसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की है कि जी थ्री डायमेंशनली तो ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद एक और ड्राइंग बनी है, उसके अंदर मैंने क्या दिखाने की कोशिश की है, देखते हैं। एक काम करें जी, इधर पहले इन लफ्जों को क्लियर कर लेते हैं, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, क्या इस लफ्ज में किसी को प्रॉब्लम है? हैं जी, अच्छा, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, क्या इस लफ्ज में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, पीछे लफ्ज रह गया, एक लफ्ज रह गया क्यूबिक और एक लफ्ज रह गया क्या, जरा चेक करें क्या ड्रॉइंग बनी हुई है, जो दूसरी ड्रॉइंग है क्यूब है कि क्यूबॉइड है, क्यूब है ना, जो तीसरी ड्रॉइंग है वो भी क्या है, वो भी क्यूब है, तो लो जी क्यूबिक का लफ्ज भी क्लियर हो गया, ठीक है। एक लफ्ज रह गया, कौन से वाला, फेस सेंटर्ड, इसको अंडरलाइन करें जी। अब मैं इसके बारे में कुछ बात बताना चाहता हूं, मेरा जो बुनियादी मतलब है ना फेस सेंटर्ड के लफ्ज को लेकर, वो ये है कि क्यूब के किसी भी फेस के सेंटर पर असल में क्या था, कि ड्राइंग या क्रिस्टल ग्रो कैसे करेगा, सर सुनिएगा प्लीज गौर से, कि क्रिस्टल की ग्रोथ कैसी है आप क्या करें आप ना कहीं पर भी, मैं यहां से जरा गया यहां जाना चाहता हूं। अब फेस सेंटर्ड के नीचे क्या लिखेगा कि सर सपोज करते हैं एक सोडियम का आयन है, कर लिया जी सपोज, ठीक है, ये किसी जगह पर है, ये एक पर्टिकुलर जगह पर आ गया, इसके इधर क्या होगा, एक क्लोराइड होगा, इधर क्या होगा, एक और क्लोराइड होगा, इधर क्या होगा, एक और क्लोराइड होगा, इधर क्या होगा, एक और क्लोराइड होगा, इनटू द बोर्ड क्या होगा, एक और क्लोराइड होगा, आउट ऑफ द बोर्ड क्या होगा, यू रिमेंबर वो इन एंड आउट के लिए हम या डॉटेड या कोई सॉलिड सी लाइन लगाते हैं, एक और क्लोराइड होगा। तो बेसिकली तो ये ड्राइंग होनी चाहिए कि एक क्या है, एक आपके पास सोडियम है, उसके इधर इधर ऊपर नीचे आगे पीछे क्या सीन चल रहा है,
छह क्लोराइड चल रहे हैं। अच्छा अब ये बात कहां से स्टार्ट हो गई, ये बात तो शुरू से पहला लफ्ज समझ आ गया होगा आपको, ईच कैटाइन इज सराउंडेड बाय सिक्स एनायन। अच्छा इसी तरह अगर आप कहते नहीं नहीं सर मेरे मैंने ना सेंटर पे क्लोराइड लिखा हुआ है, क्या रखा हुआ, या इस क्लोराइड की अगर बात कर लेते हैं, इस क्लोराइड के साथ क्या होगा, एक उधर सोडियम होगा, एक इधर सोडियम होगा, एक ऊपर सोडियम होगा, एक नीचे सोडियम होगा, इसकी भी एक इन सोडियम होगा और इसकी भी एक आउट सोडियम होगा। तो अगर मैं क्लोराइड के हिसाब से ड्राइंग बनाता तो मैं क्या कहता, इधर आ जाता कि सर किसी भी सेंटर पर एक क्लोराइड ले लें, उसके इधर क्या होगा, एक सोडियम होगा, इसके इधर क्या होगा, एक सोडियम होगा, इसके नीचे क्या होगा, एक सोडियम होगा, इसके ऊपर क्या होगा, एक सोडियम होगा, इसके इन टू द बोर्ड क्या होगा, एक सोडियम होगा, इसके आउट ऑफ द बोर्ड क्या होगा, एक सोडियम होगा। तो बुनियादी तौर पर क्या हो गया, आई थिंक अभी भी आपको फेस सेंटर्ड का लफ्ज समझ नहीं आया होगा, लेकिन क्या समझ आ गया होगा, ईच कैटाइन इज सराउंडेड बाय सिक्स एनायंस एंड देन ईच एनायन इज सराउंडेड बाय सिक्स कैटाइंस, दैट फॉर्म्स क्या, अ थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। थ्री डी का मतलब समझ आ गया, थ्री डायमेंशनल फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड तब समझ आएगा जब मैं अपनी दी हुई आखिरी ड्रॉइंग समझाऊंगा। क्या करूंगा जी, जो मैंने आपको ड्रॉइंग दी हुई है उसकी जब मैं आखिरी ड्रॉइंग आपको समझाऊंगा तो वहां से आपको फेस सेंटर्ड का वर्ड ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फिल वक्त इस ड्रॉइंग को अगर आप देखते हैं कि सर मैंने एक किसी भी यू नो पूरे का पूरा जो क्यूब है ना, उस पूरे क्यूब के सेंटर पर बिल्कुल किधर, बिल्कुल किधर, बिल्कुल सेंटर पर क्या किया, अब जरा सोचिएगा प्लीज गौर से। मैंने एक क्यूब लिया, क्यूब के सेंटर पर सोडियम बनाया, एक उसका उस क्यूब के राइट का फेस होगा, क्या होगा, राइट के फेस के सेंटर में क्या होगा, पूरा एक क्यूब है, क्यूब का सेंटर, क्यूब का सेंटर किधर है, ये क्या है भाई, ये क्या है, क्यूब है कि नहीं, क्यूब का सेंटर किधर है, वो अंदर जाके, क्यूब के अंदर जाके बिल्कुल मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहां है, कहीं ना कहीं कहा है, यहां है, ये फ्रंट फेस का सेंटर नहीं है, ये बैक वाले फेस का सेंटर भी नहीं है, ये राइट वाले फेस का सेंटर भी, ये किसका सेंटर है, क्यूब के अंदर का सेंटर है। अब क्यूब के अंदर के सेंटर पर सपोज करो क्या है, सोडियम आयन है, कौन है, अच्छा इसके इधर इस वाले फेस के सेंटर पर क्या है, क्लोराइड आयन है, इसके इधर इस वाले फेस के सेंटर पर है उसका ऑपोजिट आयन, उसके ऊपर उसकी इन क्या है, उसके ऑपोजिट उसके आउट क्या है। अब ये जो भी छेद है ये कौन थे, ये कौन है, ये क्लोराइड्स हैं। अब ये अच्छा सोडियम किधर था, पूरे क्यूब के, तो फिर क्लोराइड्स किधर आ गए, हर क्यूब, क्यूब के हर फेस के सेंटर पर आ गए। अब मैं किन की बात कर रहा हूं, अब मैं ब्लू मार्कर पकड़ने लगा हूं और अब मैं ब्लू ब्लू शेड करूंगा कि जनाब साहब मैं किन छह की बात कर रहा हूं, एक लेफ्ट, एक राइट, एक ऊपर, एक नीचे, एक इन और एक आउट। प्लीज जरा ये वाले छह हाईलाइट कर लीजिए, आई होप आपको समझ आ गया मैं कौन से छह की बात कर रहा हूं। ठीक है जी, यहां से तो नजर ऐसे नजर आ रहे नहीं, ऐसे ही ठीक। प्लीज जनाब साहब ये जो छह हैं जिस आप जिसको आपने भी रेड शेड किया है, उसके राइट पे, उसके लेफ्ट पे, उसके ऊपर, उसके नीचे, उसके आगे, उसके पीछे, ये जो छह आप किसी और कलर से शेड करेंगे ये कौन होंगे, ये हर फेस का क्या होगा, ये हर फेस का सेंटर है जनाब साहब। जैसे ये वाला है, ये आपने क्यूब का सेंटर लिया, उसके इधर इस फेस का सेंटर आ गया, इधर उस फेस का सेंटर आ गया, इधर इस फेस का सेंटर आ गया, ऊपर उस फेस का सेंटर। आई होप जो मैं लव्स समझाना चाहता था वो आपको समझ आ गया होगा कि जनाब साहब इसकी आपकी शेप कैसी है, थ्री डायमेंशनल है, बिल्कुल है, कैसा क्यूब है, उसके लिए क्या लव्स इस्तेमाल करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। अब आई होप आपको ये लव्स भी समझ आ गया होगा कि व्हाट डू आई मीन बाय फेस सेंटर्ड। 3D समझ आ गया, स्ट्रक्चर हो गया, क्रिस्टल लैटिस हो गया, क्यूबिक हो गया,
क्या नहीं समझ आ रहा था, हमें ये फेस सेंटर्ड का लफ्ज समझ नहीं आ रहा होगा। पहले मैंने क्या ड्रॉइंग बनाई, मैंने फेस सेंटर्ड एक्सप्लेन करने के लिए ड्रॉइंग बनाई कि यार ये सेंटर है, ये क्यूब का सेंटर है और ये राइट वाले फेस का सेंटर है, ये वाला लेफ्ट वाले फेस का सेंटर है, ये वाला टॉप वाले फेस का सेंटर है, ये वाला नीचे वाले फेस का सेंटर है, ये अंदर वाले फेस का सेंटर है, ये बाहर वाले फेस का सेंटर है। इसी तरह मैंने कहा जी क्या पता सेंटर से क्लोरीन स्टार्ट हुआ हो, तो वो भी हो सकता है। फिर जो आपने ड्रॉइंग बनाई, जो आपके पास पेज था, उसमें इस तरह का कुछ क्यूब है, जिसके बाद मैं सब कुछ बना, मैंने सिर्फ एक सेंटर दिखाया आपको, फिर उसके इधर उधर हर फेस का सेंटर दिखा दिया आपको। अब यहां से आगे आप क्या करें, उसने फिर क्या किया हुआ, उसने और उसको कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की हुई है, जिसको क्या कहता है कि पूरे का पूरा जी। लेकिन हाँ एक बात है, वैसे पेपर में आपने जो मैंने आपको तीन ड्रॉइंग्स दी हैं, आपको पता है पेस्ट करने को दी हैं, क्यों? ना आपने क्लास में ड्रॉ करनी है, ना आपने पेपर में ड्रॉ करनी है, आपने बनी होगी पहचाननी है। क्या होगा, बनी हुई होगी ड्रॉइंग, आपने पहचाननी होगी कि किसकी बनी हुई है जी। एक आइन छोटा होगा, एक आइन बड़ा होगा, और एक के इर्द गिर्द छह की छह तरफ, अगर दरमियान में छोटा है तो छह की छह तरफ बड़े होंगे, फिर दरमियान में बड़े तो छह की छह तरफ क्या होंगे। आई थिंक जो मैं समझाना चाहता हूँ मैं समझा चुका हूँ। क्वेश्चन, हाँ जी, कितनी डायमेंशन होती हैं? तीन। तो तीन डायमेंशनों में कितनी साइडें होती हैं? छह। छह साइडें होती हैं। इंसान के इर्द गिर्द कितनी साइडें हैं? इस कमरे में कितनी दीवारें हैं? छह दीवारें हैं। चार नहीं है, ऊपर भी दीवार है, नीचे भी दीवार है। हाँ, नीचे की दीवार को आप फर्श कहते हैं, तो ऊपर की दीवार को आप छत कहते हैं। इसको आप क्या बोले, साइड ही बोलेंगे ना। पर ओ लेवल में क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6L2। क्यों जी? वो 1L2, 1L2, एक आगे वाला L2, तो 6L2 होते हैं। तो हम कहते हैं 6 सरफेसेस हैं, हम कहते हैं 6 साइड्स हैं, मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ 6 फेसेस हैं। क्या जनाब साहब? तो मैं हर फेस को, तो यू नो क्या कहते हैं वो, क्या होता है छिक्का, वो क्या डाइस, कितने फेसेस होते हैं? वो 6 होते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है जी, तो क्या होता है जनाब साहब, 6 फेसेस हैं, हर फेस के सेंटर पर एक क्लोराइड है। क्यों? क्यूब के सेंटर पर क्या है? सोडियम है। तो पहला जो आयन था वो किधर था? वो बिल्कुल क्यूब के सेंटर में था, वहां से ग्रो हुआ क्रिस्टल। कि उसने कहा मेरे इधर आ जाओ, मतलब मैं सोडियम हूं तो क्लोराइड इधर आ जाओ, एक और क्लोराइड इधर आ जाओ, एक और क्लोराइड इधर आ जाओ, एक और क्लोराइड इधर आ जाओ, एक क्लोराइड ऊपर आ जाओ, एक क्लोराइड नीचे आ जाओ। ऐसे डेवलप हुआ क्लस्टर ऑफ क्या, ऑपोजिटली चार्ज आइंस। उस क्लस्टर में चूंकि एक रेगुलर अरेंजमेंट है, एक फिक्स्ड पैटर्न है, तो उस क्लस्टर को हमने क्या कह दिया, क्रिस्टल लैटिस कह दिया। और उस क्रिस्टल लैटिस की प्रॉपर नाम हमने क्या रखा, थ्री डायमेंशनल फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। किसको मसला भाई इस बात से? हाँ, इतनी रॉकेट साइंस तो मैंने नहीं पढ़ाई, यही ओ लेवल में भी पढ़ाता हूँ, लेकिन वहां बस वो क्या कहते हैं टप टपा वाला काम होता है कि खींचते जाओ यार, बच्चा को जज्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको के सामने उतने ही लफ्ज बोलो, उसके सामने उतनी ही ड्राइंग बनाओ जितनी वो हजम कर सकता है ए लेवल के अंदर। मुझे तो मैंने एग्जैक्ट यही चीज ओ लेवल में भी पढ़ाई होगी, लेकिन फर्क क्या है, वहां फेस सेंटर्ड शायद ना बोला हो, मैंने बोला था वहां पे नहीं, मेरा नहीं ख्याल मैंने वहां, मैंने बस वहां, बल्कि ये ड्राइंग भी नहीं बनाई मैंने, तो उनकी एक और ड्राइंग बनाई होगी बड़ी आसान वाली। कौन सी वाली? डायमेंशनल ब्रैकेट में क्या लिखेगा, लेयर्ड व्यू ऑफ एनएसीएल। फिर जो दूसरी ड्राइंग है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, उधर बोलिएगा वो थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ एनएसीएल है, वो उसका थ्री डायमेंशनल व्यू है। और जो तीसरी ड्राइंग है, प्लीज बताइए उस तीसरी ड्राइंग के साथ क्या कहेंगे आप, उसके नीचे ये लफ्ज लिखिए, थ्री डायमेंशनल फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। किसी को मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए। योर क्वेश्चन अरीबा, तो जो लाइनें लगी हैं क्या हैं? व्हाट इज दिस लाइन, Na1 पॉजिटिव इज एन आयन, Cl1 नेगेटिव इज एन आयन, व्हाट इज दिस लाइन, व्हाट इज दिस लाइन, इट्स अ बॉन्ड, व्हिच बॉन्ड, द आयोनिक बॉन्ड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अच्छा वैलेंसी तो वन होगी, उसमें मैं बिलवा दूंगा कि एक सोडियम के अर्द छह क्लोराइड थे, एक क्लोराइड के अर्द छह सोडियम थे, अल्टीमेटली रेशो क्या हुई, 1:1 ही हुई, कि व्हेन वन कैटायन इज सराउंडेड बाय 6 एनायंस एंड वन एनायन इज सराउंडेड बाय 6 कैटायंस, तो अल्टीमेटली क्या सीन होगा, अल्टीमेट बल्कि अभी भी जो आपके पास यू नो अभी अन पे डायग्राम बनती है, मैं उसमें रेशो निकाल देता हूं, मैं आपको बताता हूं उसकी क्या रेशो है, आपके सवाल के जवाब के लिए मैं प्रॉपर वो कोई नोट लिखवाऊंगा अभी। जी योर क्वेश्चन, वो तो पहले हो चुका है, वो तो कल हुआ था, कल हो गया था, एक कैटाइन बन गया था, दूसरा एनाइन बन गया था। अब मुसीबत यह है कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो एक एटम और एक सोडियम के एटम और एक क्लोरीन के एटम का नहीं रिएक्शन कराते हैं, वन मोल ऑफ सोडियम के एटम्स होते हैं, मतलब कम से कम तो इतने होने चाहिए, लाइक कम से कम 23.1 ग्राम तो सोडियम होगा हमारे पास, 35.5 ग्राम या 71 ग्राम क्लोरीन होगी हमारे पास, उनका जब रिएक्शन कराएंगे तो यू नो क्या होगा, सोडियम के 6.02 × 10^23 एटम्स होंगे, पता है कितने होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, और उधर के भी कितने होंगे, पता नहीं कितने सारे एटम्स होंगे, इतने ढेर सारे एटम सबके सब क्या कर रहे हैं, इन द रिएक्शन क्या करना, हमने डब्बे बंद किया है, डब्बे में बंद करके उनको क्या बोला, सोडियम साहब तुम लूज करो, क्लोरीन साहब तुम गेन करो, सोडियम सब क्या बना रहे हैं, क्लोराइड सोडियम, सोडियम वन पॉजिटिव बना रहा है, क्लोरीन क्लोराइड वन नेगेटिव बना रहा है, सोडियम अपने सब इलेक्ट्रॉन्स लूज करता जा रहा है, क्लोरीन उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता जा रहा है, तो सबसे पहले दरमियान में एक सोडियम आता है, कहता है भाई मैंने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो एक क्लोराइड आता है वो कहता है मैंने तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, बल्कि एक एक करके नहीं होता, सारे पहले रैंडमली क्या करते हैं, सारे रैंडमली सोडियम आयंस बनाते हैं, सारे रैंडमली जब वो क्लस्टर होते हैं तो क्लस्टर किस खुशी में होते हैं, कैसे होते हैं वो क्लस्टर, ऐसे होते हैं कि यार एक सोडियम कहता है जी मैं यहां आ गया हूं, क्लोराइड कहता है यार ये कहता कैसे हैं, बातें कैसे करते हैं, ये फिजिक्स में बातें करते हैं कैसे, इनकी बातों का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज ऑलवेज देयर बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस, तो उनको बातें करने की जरूरत नहीं है, उनको पता है वो सोडियम पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव है तो खुद ही उसके करीब आकर चिपक ही जाता है, एक तरफ से जैसे क्लोराइड चिपक गया, फिर थोड़ी देर बाद कोई और क्लोराइड वहां से आता आता था चिपक ही जाता है, फिर सामने से आता आता चिपक जाता है, फिर पीछे वाला चिपक जाता है, फिर ऊपर से कैसे क्या, ऐसे क्या होगा, ऐसे करते करते क्रिस्टल ग्रो करता जाएगा, तो इसी आपकी जरा दूसरी वाली ड्रॉइंग देखें क्या हुआ वहां पे, उसमें सारे ऑपोजिटली चार्ज आयंस क्या हुए हैं, चिपके हुए हैं ना, तो बस जितने ज्यादा होते रहेंगे क्यूब उतना उतना बड़ा 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 होता जाएगा, लेकिन उनके चिपकने का एक सेंस है, उनके चिपकने का एक पैटर्न है, उनके चिपकने की एक अरेंजमेंट है, वो क्या थी, हमने कहा था यह उनके जमाने एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस डेवलप होती है इन अ फिक्स्ड पैटर्न, और हमने उस पैटर्न का नाम डेवलप कर दिया है कि किस पैटर्न में वो चिपके हैं जाकर, किस पैटर्न में चिपके हैं, थ्री डायमेंशनल फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में चिपके हैं। आपके सवाल का जवाब खत्म होता है, ठीक है जी, एनीथिंग एल्स प्लीज, मैं अरिबा वाले सवाल की तरफ जाना चाहूंगा, उनका सवाल ये था सर ये तो NaCl है, आपने तो Na के साथ क्या लगा दिया, छह क्लोराइड लगा दिए हैं, और फिर क्लोराइड के साथ क्या लगा दिया, छह Na लगा दिए हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली तो Na6 और Cl6 होना चाहिए, चलो जी ठीक है, अगर NaCl और Cl6 होना चाहिए तो उसके हिसाब से भी इंपेरिकल हुआ तो क्या होगा, Na1Cl1 होगा, बल्कि मैं तो समझता हूँ Na6 और Cl6 नहीं है, इस पूरे आखिरी वाले ड्राइंग में गिने कितने, आखिरी वाले ड्राइंग में कितने गिने जी, कितने वाले कितने यूनिट्स हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में, मतलब ये उसका स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, ये क्या है, इसके इसको हम कहते हैं यूनिट सेल, क्या कहते हैं, यूनिट सेल ऑफ NaCl, इस यूनिट सेल ऑफ NaCl में आपको कितने फार्मूला यूनिट्स नजर आ रहे हैं, 27 तो आयंस है, फार्मूला यूनिट्स कितने हैं, 13.5 फार्मूला यूनिट्स हैं, कितने जनाब साहब, 13.5 फार्मूला यूनिट्स हैं, मतलब पूरे पूरे NaCl हैं, तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर कितने NaCl हैं, तो एक फार्मूला यूनिट हो गया 1 NaCl, इसमें कितने 27 टोटल आयंस हैं, फार्मूला यूनिट्स कितने हैं 13.5, लेकिन इस तरह से सोचने की जरूरत नहीं है हमें, आपके सवाल के जवाब में शायद मैं ये लिखवा दूंगा
कि सिंस ईच कैटाइन इज सराउंडेड बाय, बल्कि काम करें, लिखें जी सवाल लिखें, केमिकल फॉर्मूला ऑफ NaCl, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ NaCl, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ NaCl, हाँ जी, बल्कि हाँ कहते साहब ने सवाल भी बता दिया, लेकिन व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, चलो व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो अगर आप सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, एक कल का तरीका था, कल वाला तरीका क्या था कि सोडियम था वन पॉजिटिव, क्लोराइड था, तो आपने क्रॉस बेस कर लिया, नहीं आज मैं दूसरा तरीका बताऊंगा कि एक सोडियम के इर्द गिर्द क्या है, छह क्लोराइड्स हैं, तो अगर उधर का एक क्लोराइड होगा तो इधर के क्या होंगे, या ये लिखिए या Na6Cl लिखिए, या इन दोनों को मिक्स करके Na6Cl6 लिखिए, या उसको सिंप्लीफाई करके NaCl लिख दीजिए, क्या करें जनाब साहब, NaCl6 एंड और नहीं एंड सॉरी क्रिस्टल्स बट इन FSC, आपके सिलेबस में सिर्फ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, ये एक लफ्ज है जी, FSC वाले कितने लफ्ज पढ़ते हैं, सात डिफरेंट लफ्ज पढ़ते हैं कि किस किस क्या क्या रेशो होगी तो क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, हम क्या कहते हैं वन रेशो वन होगी तो क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, हम और बाकी प्रॉपर्टीज पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, उनका सारा फोकस किस पर है कि जी वन रेशो वन में क्या होगा, वन रेशो टू में क्या होगा, टू रेशो वन में क्या होगा, वन रेशो टू रेशो थ्री में क्या होगा, उसमें बहुत सारा फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर भी समझाते हैं, वो कि कैल्शियम एक होगा कार्बन एक होगा ओ तीन होंगे तो क्या होगा, मैं उन तमाम के स्ट्रक्चर में नहीं जाना चाहता हूं, आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर लीजिए, अदरवाइज मेरा आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ जाता है।